जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। थंबनेल के आधार पर बात करेंगे आज उत्तराखंड के अंतर्गत पे काफ़ी इंपोर्टेंट टॉपिक्स, हाथ के अंतर्गत पर रिलेट करेंगे, कश्मीर के अंतर्गत पे, कश्मीर की उत्पत्ति कैसे हुई, कश्मीर के खस चरवाहों का देश क्यों कहा जाता है, और उत्तराखंड के अंतर्गत पे खस क्या है और उत्तराखंड के अंतर्गत पे सक क्या है, इतिहासकारों का क्या अपना मत है, इस वीडियो के अंतर्गत पर हम कम्प्लीटली रूप से जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने कंटेंट की ओर आगे बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कश्मीर के खस चरवाहों का देश, आखिर क्यों कहा जाता था कश्मीर के खस चरवाहों का देश, और साथ में जानेंगे कि कश्मीर की उत्पत्ति कैसे हुई, कश्मीर का नामकरण कैसे हुआ। अगर पौराणिक कथा के अनुसार बात कही जाए तो भगवान शिव की पत्नी जो सती थी वो इस घाटी पर आई थी और रही थी, और यहाँ घाटी में पानी भरा करती थी। यहाँ पर एक जो वहाँ पर झील था और उस झील में क्या करता था, एक राक्षस रहता था जिनका नाम नाग था, और वहां पर ऋषि कश्यप भी रहते थे। अब क्या हो गया, ऋषि कश्यप और उसे परेशान होकर ऋषि कश्यप तथा देवी सती ने उस नाग से लड़ाई कर उससे क्या कर दिया, युद्ध पर हरा दिया गया। और उसके बाद में क्या हो गया, पानी का अत्यधिक हिस्सा जो था तिस्ता नदी के अंतर्गत पर क्या कर दिया गया, जो झील का पानी था तिस्ता नदी के अंतर्गत पर बहा दिया गया। अब उस जगह का नाम सतीसर से क्या हो गया, कश्मीर पड़ गया। सतीसर उस नदी या तालाब का नाम था, समझ गए होंगे पौराणिक कथा के आधार पर कही जाती है। दूसरे रीजन की बात करें तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, कछुए इस झील में अत्यधिक मात्रा में रहते थे इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कश्यप मर हो गया, जिसे क्या कहा जाता है, कश्मीर कहा जाता है। थर्ड नंबर की बात करें, जो कश्यप ऋषि के नाम से है इसका नाम क्या कहा जाता है, कश्मीर पड़ने की बात कही जाती है। आगे बात करेंगे कैस्पियन सागर से कश्मीर तक क्या है, कश्यप ऋषि के वंशज होने की बात कही जाती है। उस टाइम पर क्या किया जाता है, माना जाता है और उनके द्वारा कहा जाता है कि कश्यप ऋषि ही कश्मीर के पहले राजा थे। उनकी पत्नी कद्रु, ठीक है, कश्यप जी की पत्नी थी, ऋषि कश्यप जी की पत्नी कद्रु थी, उनके गर्भ से 8 नागों की उत्पत्ति हुई थी। उनके नाम थे अनंत नाग, वासुकी नाग दूसरे नंबर के, और तीसरे नंबर की बात करें तो तक्षक नाग, और चौथे नंबर की बात करें तो कर्कोट नाग, और पांचवें नंबर की बात करें तो पद्मनाग, और छठे नंबर की बात करें तो महापद्मनाग, और सातवें नंबर की बात करें तो शंख, और आठवें नंबर की बात करें तो कौन थे, कुलीक थे। इन्हीं नागों के नाम से यहां पर नागवंश होने का प्रमाण मिलता है। और कुछ कुछ प्रमाणों की बात कही जाए तो इतिहासकार कहते हैं कि पौराणिक कथाओं के आधार पर इन्हीं नागों के नाम पर ही वहां पर नाग पड़ा था, जैसे कि बात कहें तो अनंतनाग एटीसी जो भी वहां पर हो गया, ठीक है। अनंतनाग कहा जाता है कि अनंतनाग जो था नागवंशियों की राजधानी थी और जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के आगे जम्मू क्षेत्र पर पड़ता है। कश्मीर के साथ जुड़े जम्मू को क्या कहा जाता था, डूंगर प्रदेश कहा जाता है, और जम्मू का यह जगह पीर पंजाल की पहाड़ी पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। पहाड़ी की दूसरी ओर क्या है, कश्मीर है। कश्मीर के लिए कलहण ने क्या कहा है कि जो राजतरंगणी लिखा गया था, उनके राजतरंगणी किसके द्वारा लिखा गया था, कलहण के द्वारा, कश्मीर के इतिहास पर आधारित पुस्तक, और उसके अंतर्गत की बात करें तो नीलम पुराण के अनुसार कभी बहुत बड़ी यहाँ क्या हुआ करती थी, झील हुआ करती थी, और भगवान जो ऋषि कश्यप थे उनके द्वारा क्या कर दिया गया, इस झील से पानी निकाल दिया गया और यहाँ पर क्या बन गया, मनोरम दृश्य बन गया, और उसी के बाद में क्या हुआ, कश्मीर अस्तित्व पर आ गया। और यह भी कहा जाता है कि खस ही ऋषि कश्यप के वंशज थे। अब देखिए खसों की बात है यहाँ पर कही जाती है, जो ऐतिहासिक प्रमाणों के बाद में क्या कहा जाता है कि खस ही क्या थे, कश्यप के वंशज थे। पर भूगोलविदों के अनुसार क्या कहा जाता है कि यहाँ पर जो पानी था क्या था, भूमि के ऊंचावज भूकंप एटीसी जो भी प्रोसेस हुई उसके आधार पर क्या होगा, पानी यहां से रिस गया। अब बात करें कस खस और मीर से ही क्या बना है, कहा जाता है कि आधुनिकता की बात करते हैं, कुछ इतिहासकारों की बात करते हैं तो वह क्या कहते हैं कि कस खस और मीर से क्या बना है, कश्मीर बना है। कैस्पियन सागर के लोग क्या हुए थे, यहाँ आकर बसे थे, उन्होंने यहाँ पर आकर अमीर छाप छोड़ा। जब खस लोग क्या हुए यहाँ आकर बसे तो उनको क्या कहा जाने लगा, कश्मीर कहा जाने, खस अमीर, ठीक है, क्या कहा जाने लगा, कश्मीर कहा जाने लगा, कश्मीर यानी खस देश पड़ा गया। उसके बाद कश्मीर यानी क्या होता है, खस देश, ऐसा क्या किया जाने लगा, पढ़ा जाने लगा। लेकिन जो इतिहासकार हैं डी डी शर्मा ने अपनी पुस्तक है, उनकी पुस्तक का नाम क्या है, हिमालय की खस, एक ऐतिहासिक एवं संस्कृति विश्लेषण में लिखते हैं कि कालांतर में इसका विकास कस सीर से हो गया, जो क्या कहा गया, कश्मीर प्रोनंसिएशन उच्चारण उसके अंतर्गत पे कही गई। प्रसिद्ध भाषाविद रामविलास शर्मा का कथन है कि मीर शब्द मध्य एशियाई शब्द है और सलवान भाषा में भी अभी भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग होता है। पामीर में पाए जाने वाला जो मीर पद भी यही है, इसका अर्थ होता है चरवाहों का देश।
देखिए पामीर में पाए जाने वाले जो मीरपति उपाधि है इसका ही अर्थ क्या होता है, चरवाहों का देश है, और जो कि क्या होता है इसी रूप से प्रयोग होता है, अर्थ क्या होता है चरवाहों का देश। पर संस्कृत के पंडितों ने कश्मीर शब्द को संस्कृत निष्ठ सिद्ध करने के लिए इसकी उत्पत्ति कश्यप मीर से करने का प्रयास किया। ये लोग कश का भले ही कश्यप के रूप में जो है संस्कृति कर लेते हैं, लेकिन देश के जो भी बोधन मीर शब्द का प्रयोग कोई विकल्प संस्कृत में क्या होता है उपलब्ध नहीं होता है। इस तरह कश्मीर खस प्लस मीर अर्थात खस चरवाहों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खस प्लस मीर अर्थात चरवाहों का देश कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में आज भी अनेक नाम व स्थान जातियों के नाम जो भी है किसके नाम से पढ़ते हैं खस से ही देखने को मिलता है। खसों ने चित्राल घाटी में स्थित काश नगर के समान ही अपना प्रमुख गढ़ बनाया जिसका नाम क्या रखा, खैस्याल यानी खसालय पड़ा। आज के टाइम पर क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है, क्या होता है खैसालय यानी खसालय पढ़ा गया। यह कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी है और इसके बाद जिस दिशा में भी इनका प्रचार हुआ वो इनके पद चिन्हों में क्या हो गया, अंकित हो गया था। ठीक है, जहां पर इनका प्रचार प्रसार चला होगा उन्हीं नाम पर क्या हो गया, अंकित हो गया। कश्मीर की खैस्याल घाटी की तरह ही जम्मू में भी क्या है कसाल पहाड़ी है और वहां के आसपास के एक दर्जन गांव का क्षेत्र क्या है कसाल कहा जाता है, खसाल कहा जाता है या खसालय के नाम से भी क्या किया जाता है वहां पर जाना जाता है। वहां की बोली खसाली है, यहां अनेक भाषाओं का क्या है समावेश है। मुख्य रूप से कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम से बताया जाने पर खसों की भूमि रही है। कश्मीर के मूल सभी हिंदू थे और कश्मीरी पंडितों की संस्कृति क्या है 5000 साल पुरानी है। इसका इसके अंतर्गत पे जो इतिहास है राजतरंगिणी में यह लिखा गया है कि 12वीं जो सदी में लिखा गया था तब तक यह पूर्ण रूप से क्या था हिंदू था। जो राजतरंगिणी लिखा था कलहण के द्वारा लिखा गया था 12वीं सदी के अंतर्गत पे उस समय उसके अंतर्गत पे क्या कहा जाता है कि 12वीं सदी पर वहां पे हिंदू राज्य था, वहां का सम्राट अशोक के राज्य का भी हिस्सा रहा। तभी यहां पर क्या हुआ बौद्ध धर्मों का भी प्रचार प्रसार और वो क्या हो गया यहां पर आगमन हुआ जो आगे चलकर कुषाणों के अधीन हुआ। उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य के शासन से यहां 6वीं शताब्दी से हिंदू वापसी हुआ और उनके बाद क्या हो गया ललितादित्य हिंदू शासन रहा। इसका काल लगभग लगभग 697 से लेकर 738 ईस्वी तक रहा था। अवंती जो वर्मन ललितादित्य का क्या था उत्तराधिकारी बना और इसने क्या किया श्रीनगर के निकट अवंतीपुरम बसाकर अपनी राजधानी बनाया जो एक समृद्ध क्षेत्र था। आज भी वहाँ एक क्या है खंडर है, खंडरों से ही प्रमाण मिलता है और यहाँ पर महाभारत युग के गणियत यार और खीर भवानी मंदिर आजकल भी यहाँ पर मिलते हैं। और उसके बाद में इसके अंतर्गत पे क्या होता है 14वीं सदी में मुस्लिम शासन का आरंभ होता है। इसके अंतर्गत पर हमने पूरा जान लिया, जैसे कि हम देखते हैं मैप के अंतर्गत पे कश्मीर कहाँ पर स्थित है, इसका नाम क्या हो गया कश्मीर, इस रूप से पढ़ने की बात क्या की जाती है, इतना एरिया ठीक है यहाँ पर है कश्मीर, यहाँ पर बात कही जाती है। अब क्या बन गया ये भारत का यूनियन टेरिटरी बन गया है, कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग क्या बन गए हैं यूनियन टेरिटरी बन गया। अब आपने पूरा जान लिया होगा कि पौराणिक इतिहास के आधार पर और न्यू खसों के आधार पर किस प्रकार इसको क्या कहा जाता है कि जैसे कि कश्मीर के खस चरवाहों का देश तथा खसों का देश या कश्मीर यानी चरवाहों का देश और कश्मीर कैसे बना इसका नामकरण पूरी बात कर दी और हिंदू साम्राज्य कब आया और इसके अंतर्गत पर जो बौद्धों के अंतर्गत पर किस प्रकार के यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं और राजतरंगिणी जो कलहण के द्वारा लिखा गया 12वीं सदी के आसपास पर तो उसके प्रमाण के आधार पर यहाँ पर क्या बताया जाता है हिंदू होने का प्रमाण पूरा बताया जाता है। और 14वीं शताब्दी के बाद में क्या कहा जाता है कि यहाँ पर मुस्लिम शासन का क्या हुआ था आरंभ हुआ था, समझ गए होंगे पूरा। अब आगे बात करेंगे इसके अंतर्गत पे उत्तराखंड के अंतर्गत पे खस काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है उत्तराखंड के अंतर्गत पे उत्तराखंड इतिहास उत्तराखंड यूकेएसएससी तथा यूकेपीएससी के अंतर्गत पे जानने के लिए। अगर इसके अंतर्गत की बात करें खस लोगों की मुख्य आकृति लंबी सीधी तथा ऊंची नाक वाले तथा मूछ दाढ़ी की क्या होती थी इनकी प्रचुरता होती थी और इनका आकार लंबा होता था तथा इनका शरीर क्या होता था हष्टपुष्ट माना जाता था। उत्तराखंड के अंतर्गत पे खस लोगों की जो मुख्य आकृति होती थी क्या होती थी लंबी तथा सीधी तथा ऊंची नाक थी, मूछ दाढ़ी रखते थे और अपेक्षाकृत क्या होता था इनका लंबा आकार तथा इनका शरीर क्या होता था हष्टपुष्ट होता था। अपने विगत इतिहासकार एवं साहित्य स्रोतों में क्या होता है इनका नितांतर अभाव के कारण इस जाति को शौर्य वाहन होने का भी क्या है सर्वाधिक ख्याति इन्हें प्राप्त है।
जो कि आर्य जाति और उनके क्या थे गौरवमय साहित्य की चकाचौंध से प्राप्त हुआ था। फलत खस जाति के वंशज आर्यों से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं को क्या कहने लगे, वह आर्यों की संतानें कहने में क्या करने लगे, अपने को गौरवान्वित अनुभव करने लगे। वर्तमान काल की बात करें तो केवल हिमाचल प्रदेश के निवासी ही खस जाति से संबंधित क्या किए जाते हैं माने जाते हैं। आज के टाइम पर देखिए जम्मू कश्मीर के अंतर्गत भी इनका अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है, उत्तराखंड के अंतर्गत पर भी इसका समाप्त हो चुका है, लेकिन हम हिस्ट्री के अंतर्गत पर इतिहासविदों की जो बात कही गई है उस आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो इस रूप से रहते थे, लेकिन आज के टाइम पर केवल हिमाचल प्रदेश शिमला में। मैं पर बता देता हूँ कि हिमाचल कहाँ पर स्थित है। देखिए ये है हिमाचल प्रदेश, ये देखिए ठीक है, हिमाचल प्रदेश पर्वतीय इलाका है, शिमला यहाँ पे इसकी कैपिटल शिमला है। यहाँ पर ही क्या कहा जाता है कि जो क्या प्रमाण बताने की बात कही जाती है कि यहाँ पर ही केवल क्या रहते खस लोग ही यहाँ पर रहते, जबकि प्राचीन काल में गंगा जी के मैदान तथा दक्षिण के पठार में दूर दूर तक इन जाति का क्या हुआ था प्रसार हुआ था। गढ़वाल कुमाऊं में प्राप्त कुछ प्राचीन लेखकों के आधार पर देखिए मैं पर मैं बता देता हूँ उत्तराखंड, ये रेखा प्यारा उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंतर्गत पर देखिए गढ़वाल तथा कुमाऊं दोनों अलग मैप मैं इसलिए लाया हूं ताकि आप समझ जाएंगे। कुमाऊं के अंतर्गत पर ये 6 जिले हो गए, गढ़वाल के अंतर्गत पर 7 जिले यहां पर हो गए, ठीक है समझ गए होंगे आप। इसी के अंतर्गत की बात करें तो गढ़वाल और कुमाऊं से प्राप्त कुछ प्राचीन लेखकों के आधार पर कनिंघम का अनुमान है कि मौर्य वंश का अंतिम नरेश राजपाल विक्रम पूर्व दूसरी शताब्दी में उत्तराखंड के राजा जो सकादित्य द्वारा मारा गया था। इसके अनुसार लगाया जाता है कि विक्रम दूसरी तथा तीसरी शताब्दी से पूर्व किसी भी समय हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सक जाति आ बसी थी। इसी आधार पर क्या कहा जाता है कि यहाँ पर उत्तराखंड के ऊपर क्या हुई थी सक जाति आकर बसी थी। कौन सक जाति आकर बसी थी, सक और खस में आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। अब हम सक जाति के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सक और खस, सक जाति भी क्या करते थे पशु चारक एवं क्या थे अश्वपालन, मतलब ये घोड़ों का पालन करते थे। इन लोगों में भी क्या था मिश्रित वासियों की भांति मृतकों की समाधि के ऊपर क्या था प्रिय वस्तुएं रखने की इनके अंतर्गत पे थी, ठीक है प्रथा थी। क्या होता था कि सक जाति पशु पालते थे और घोड़ों का पालन करते थे और मिश्र वासियों की भांति ही ये क्या करते थे जो मृत हो जाता था कोई इंसान मरने के बाद उनको दफन करते थे और उनकी समाधि बनाकर उसके अंतर्गत पे प्रिय वस्तु रखने की उनके अंतर्गत पे प्रथा थी। जो आज के समय की बात करें तो लद्दाख हो गया, लाहौल हो गया और चंबा और कन्नौज में क्या है लिप स्पू के आगे तिब्बती जो सीमा पर स्थित जो भारत का अंतिम गांव क्या है यहां पर तिब्बत के अंतर्गत में नमग्या और क्या है मलारी तक तथा क्या है मध्य तिब्बत में भी ऐसी कई समाधियां पाई जाती है जिन्हें सक समाधि की भी समानता मिलती है। क्या मिलता है सक समाधि किसी भी क्या मिलती है इनके अंतर्गत पे समानता मिलती है। खस और सक, अब इसके अंतर्गत पे थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। खस और सक के अंतर्गत पे खस और सक दोनों जातियों के रूप में रंग आकार और प्रकार रुचि व पेशे के में क्या है प्राप्त इनके अंतर्गत पे समानता इस पे क्या की गई है पाई गई है, ठीक है। खस जो ये खस हो गए और दूसरे अंतर्गत की बात करें तो इनको खस हो गया और दूसरे हम बात कर रहे थे अभी सक, दोनों के अंतर्गत पे जो इनके रंग रूप आकार और इनके रुचि जो पेशे हैं उनके प्राप्त समानता पाई गई है। सकों के आगमन से पूर्व काल पूर्व ही क्या था कश्मीर से पश्चिम नेपाल तक समग्र हिमालय खस देश बन चुका था। अब कुछ इतिहासकारों का प्रमाण ये भी पाया जाता है कि ये देखिए मैप के अंतर्गत पे कि जो ये देखिए पूरा क्या है उत्तराखंड, ये देखिए हिमाचल प्रदेश शिमला इस ओर से होते हुए इधर जो यहाँ पर नेपाल का एरिया है यहाँ तक क्या था खस देश बन चुकने की क्या कही गई है पश्चिमी के अंतर्गत पे खस देश बन चुकने की बात कही जाती है। आगुंतक जो सक तथा अन्य जातियाँ कालांतर में उसी खस सागर में विलीन हो गई और खस रीति नीतियों को अपनाकर इससे क्या होगी अभिन्न हो गई, ठीक है समझ गए होंगे। विख्यात इतिहासकार श्री राहुल का मत है कि सक मूलतः सक जो थे मूलतः खसों के ही वंशज थे। देखिए सक और खस पर आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। परिवेश इतिहासकार राहुल संस्कृतायन भी कहते हैं कि सक मूलतः खसों के ही वंशज थे। खस शब्द ही उलट कर क्या बनाया गया सक की बात कही जाती है। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना ये सक ऐसे लिखा है और दूसरा क्या है खस हो गया तो इसी को उलट कर क्या कर दिया गया है सक या खस कर दिया गया। इसी के साथ वे कहते हैं कि हिमालय का जो प्रथम ऐतिहासिक वंश क्या है कत्यूरी भी सकों से ही संबंधित है। देखिए वो कहते हैं कि जो कत्यूरी वंश थे उनके वंशज भी सक से संबंधित थे। कत्यूरी नरेशों के समकालीन जो यशोवर्मन चंदेल के खुजराहो शिलालेख के अनुसार उनके उसके जो भी खस नरेश की शक्ति को क्या करता था तोला था। अब इसके अंतर्गत पर देखिए कत्यूरी नरेश के जो समकालीन यशोवर्मन चंदेल के खुजराहो शिलालेख के
अनुसार उसने क्या किया था, खस नरेश की शक्ति को तोला था। और यह खस नरेश निश्चय ही क्या था, पांचाल के उत्तर में स्थित उत्तराखंड का कत्यूरी नरेश रहा होगा, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। कत्यूरी नरेशों के समकालीन धर्मपाल, देवपाल और नारायणपाल के अभिलेखकों में खस नरेश या खस और खस देश को उनके अधीन बताया गया, ठीक है। जो आपने देखा होगा पाल वंश के अंतर्गत पे, देखिए पाल वंशों के अंतर्गत पर जो 60 वंशें चली थी, 60 वंशों के अंतर्गत पे लगभग 43 वंशों के बाद में शाह आ गया था। उससे पहले क्या था, कनकपाल, जमपाल, पांडुपाल, अभिगतपाल जो भी पाल आते हैं उनकी बात चलती है 43 तक। 43 के बाद में क्या आता है, शाहों का पाल शुरू हो जाता है शाटी के अंतर्गत पे। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि कत्यूरी राज्य के अशोक, इसके अंतर्गत पे क्या होता है कि सबसे पहले खस नरेश निश्चय ही क्या कहा जाता है कि पांचाल के उत्तर में स्थित उत्तराखंड का कत्यूरी नरेश हुआ होगा यह माना जाता है। और कत्यूरी जो नरेश थे उनके समकालीन धर्मपाल, देवपाल और नारायणपाल के अभिलेखकों में क्या पाया जाता है कि खस नरेश या सगदेश को उसके अधीन बताया गया। कत्यूरी राज्य के अशोक चल के बोधगया शिलालेख में उसके खस देश का नरेश बताया गया है, ठीक है। क्या किया गया, कत्यूरी राज्य के जो अशोक चल के बोधगया शिलालेख है, बोधगया कहाँ पर स्थित है, बिहार के अंतर्गत पर, उसके खस देश का नरेश बताया गया है। इसलिए यह माना जा सकता है कि कत्यूरी वंश का संबंध खस जाति से होगा, ठीक है। इतिहासकार मानते हैं, ऐसा हमारा कोई प्रमाण नहीं है। कौन कहते, इतिहासकार कहते, राहुल संशयकर्ताएं, नीटीसी जो भी थे उनके द्वारा क्या किया गया था, इसको रिसर्च किया गया था। कत्यूरी राज्य अशोक चल के बोधगया शिलालेख में उसके खस देश का नरेश बताया गया, इसलिए यह माना जाता है कि कत्यूरी वंश का संबंध क्या था, खस जाति से था। कत्यूरी वंश की सामाजिक स्थिति भी उसका संबंध खस जाति से क्या होती है, जोड़ती है। प्राचीन काल में उत्तराखंड की जो ब्राह्मण और राजपूत जातियों में उच्च नीच का भेदभाव अधिक व्यापक स्तर पर था, ठीक है। उच्च जाति के राजपूत खस जाति के वंशजों को हे समझते थे, क्या करते थे, उच्च जाति के राजपूत जो थे खस जाति के वंशजों को हे समझते थे। और कुमाऊं के चंदवंशी नरेश समकालीन कत्यूरी परिवारों की कन्याओं से क्या करते थे, विवाह कर लेते थे। कौन करते थे, कुमाऊं के अंतर्गत पे चंदवंशी नरेश समकालीन कत्यूरी परिवारों की कन्याओं से विवाह कर लेते थे, किंतु उन्हें स्वयं से हीन समझकर अपनी पुत्रियां उन्हें नहीं देते थे। देखिए, लेकिन वो उनसे विवाह कर लेते थे लेकिन अपनी पुत्रियां क्या करते थे, खस लोगों को नहीं देते थे। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम कहते हैं, देखिए अब कनिंघम के अनुसार बात करी जाती है कि कत्यूरी राजाओं की राजधानी लखनपुर या विराटपट थी जो रामगंगा के किनारे स्थित है। चीनी यात्री वेनसांग ने ब्रह्मपुर तथा क्या किया था, लखनपुर का आंखों देखा वर्णन लिखा है। देखिए जो चीनी यात्री वेनसांग के आधार पर यहाँ पर प्रमाण मिलता है कि ब्रह्मपुर तथा लखनपुर का आंखों देखा यहाँ पर वर्णन मिलता है कि इन स्थानों पर ब्राह्मण तथा बौद्ध दोनों ही मतावलंबी रहते थे। कुछ लोग विद्यावसनी थे तथा अन्य खेती करते थे, कुछ तो ज्ञान के ज्ञाता थे और विद्या के व्यसनी, व्यसन करने वाले, अध्ययन करने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले थे तथा कुशों का काम क्या था, खेती करने वाले थे। संभव है कि उसके आधार पर वह कहते हैं कि संभव है कि यह कत्यूरियों की राजधानी रही होगी। देखिए अब रिलेट करते हैं कि कौन कहते हैं इसके अंतर्गत पे कि कनिंघम, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम कहते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, कत्यूरी राजधानी रही होगी। लखनपुर में वेनसांग 7वीं शताब्दी में आए थे, लखनपुर में क्या हुआ था, वेनसांग 7वीं शताब्दी में आए थे, इसलिए अनुमान किया जाता है कि यह नगर 6वीं शताब्दी से पूर्व ही क्या हो गया होगा, यहाँ पर बस गया होगा, ठीक है। कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी ढिकुली के निकट थी, कहाँ पर थी, ढिकुली के निकट थी। गाने वाले भड़क कहते हैं इसके अंतर्गत उन पर उस समय पर क्या कहा जाता है कि जो कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी क्या थी, ढिकुली के निकट थी, तो इसके अंतर्गत पर क्या कहा जाता है कि गाने वाले भड़ कहते हैं, उनको भड़ कहा जाता था उस टाइम पर। एग्जाम में पूछ सकता है, हिस्ट्री के अंतर्गत पर आपको रिलेट कर सकता है, उत्तराखंड के अंतर्गत पर, तो गाने वाले को क्या कहा जाता था, भड़ कहते हैं कि आसन वाका वासन वाका, ठीक है। उनके द्वारा क्या कहा जाता था, आसन वाका वासन वाका, सिंहासन वाका, वाक ब्रह्मा, वाक लखनपुर। इसका मतलब क्या था कि एटकिंस महोदय, जो एटकिंस महोदय है उनके द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया था कि आसन तथा वासन कत्यूरी राजाओं के नाम होंगे, किंतु आसन का अर्थ बैठने की वस्तु तथा वासन वस्त्रों को भी कहते हैं। ब्रह्मपुर तथा लखनपुर को राजधानी के नाम है। कनिंघम ने ब्रह्मपुर तथा लखनपुर का मानचित्रण दिया और इसे स्पष्ट है कि यह राज्य कुमाऊं में था।
यही क्या था इसके अंतर्गत पे खस और सख होने का प्रमाण इनके अंतर्गत पे क्या होता था मिलता था। जैसे कि हमने पहले कहा कि ये पशु चारण करते थे तो इस प्रकार के उनके भेड़ बकरियां जो भी थी खस और सख के पालने की इसके अंतर्गत पे क्या कही जाती है बात कही जाती है। ठीक है, समझ गए होंगे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे हमने कश्मीर के नामकरण की बात की, कश्मीर के अंतर्गत पे खस कैसे रहते थे, पुरातत्विक आधार पर किस प्रकार उनका बखान किया गया और उत्तराखंड के अंतर्गत पे किस प्रकार खसों की बात कही जाती है और उत्तराखंडों में किस प्रकार की सख होने की बात कही जाती है इतिहासकार तथा पौराणिक जो भी विद यहाँ पर मिलता है हमारे द्वारा आपके सम्मुख प्रस्तुत किया गया। यदि आपके पास भी कोई इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन है, यदि खस और सख संबंधी कोई और प्रमाणित तथ्य आपके पास उपलब्ध है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।